यहाँ पर पोछा लगाने के बाद तो है ना, अब जो है ना सांस पूरी पूरी जो है ना उखड़ रही है। तो आज की हमारी वीडियो का यहीं से आगाज़ होता है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी, जो भी एक्टिविटी होगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर हो, आफियत से होंगे। और उसके अलावा भी सबकी जो है ना ईद की शॉपिंग जो है ना कंप्लीट हो गई होगी, और 29 वाले रोज़े वाले दिन ना रेडी रहे। कोई पता नहीं कि 30 रोज़े होते हैं या नहीं होते। 3 साल से मुसलसल एक दफ़ा तो रात के 11:30 बजे ऐलान किया कि सुबह ईद है, और कुछ चीज़ें ऐसी रहती थी कि नहीं ले पाए। तो इस दफ़ा प्लीज़ 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 सब जो है ना 29 तक अपनी तैयारी कंप्लीट रखें। कोई पता नहीं है कभी भी ये लोग ऐलान कर दें कि ईद हो जाएगी। ऐसा हुआ था फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा जो है ना 8 बजे हुआ पिछले साल, मेरे ख्याल में 10, 10:30 या 9:30 बजे तक ने मेरे ख्याल में ऐलान किया था पिछले साल। बस यही है, तैयारियाँ चल रही हैं। अभी सब बाहर गए हुए हैं, बच्चे गए हुए हैं अपने पापा के साथ, और सुमेरा और बाबर भाई गए हुए हैं। सामान मेरे ख्याल में रात उन्होंने पैक करवाया था, देने गए थे, पता नहीं हुआ क्या हुआ, वो अभी वो लेकर गए हुए हैं। तो थोड़ी सी शॉपिंग भी उन्होंने करनी थी, वो करनी है। और आज हमारा जो है ना इफ्तारी का इरादा है कि बाहर करें इफ्तारी, क्योंकि कितने दिन से घर में कर रहे हैं। तो आज मैंने कहा सीवे चलते हैं, थोड़े से बच्चों की भी आउटिंग हो जाएगी। फादिया भी ज़िद कर रही थी कि मुझे स्केटिंग करनी है, तो वो भी हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा घर आएंगे, फिर 27 की रात होगी, तो इंशाल्लाह पूरी जो है ना मुकम्मल हम लोग जो है ना इबादत करेंगे। ये जो है ना पाला पाला बच्चा नहा के आ चुका है, मैंने इसे ना जैसे ही उठती है नहला दिया। तो अभी क्या हुआ, मीरू हम और लेते हैं, ये वैसे भी फटी हुई थी, हम और लेते हैं, आ जाओ। क्या हुआ है मम्मा, कहाँ पे लगा है चोट? यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे लगी। अच्छा ये दूध पी लो, चलो नहीं। पी लो, चलो चलो चलो। ये आपका है गरम है मम्मा, आपने दुआ को गरम दूध दी है, अच्छा ठंडा हो जाएगा, पी लो पी लो पी लो। हाँ वो उसका है, उसका है। ये देखो स्लाइम बालों में भी लगा दी है, गंदे बच्चों। कल से ना स्लाइम आई है, और घर में हर चीज़ पे स्लाइम ही स्लाइम, कपड़ों पे, बेडशीट पर, हर चीज़ पर स्लाइम है। मम्मा ये हाथ में भी स्लाइम पकड़ी है। नहीं मम्मा स्लाइम नहीं है। हाँ पापा दिया। अच्छा नहीं, बाहर गया। कौन बाहर गया? दूध दो हमें, दूध दो वापस हमें। हाँ मिठू क्या हुआ, दादा दूध ले गई है? नहीं। क्या हुआ, दूध चाहिए ग्लास में? दूध बना दो, आप ही भी ग्लास में पीती है, आप ही भी ग्लास में पीती है, मुझे तो दो दे दो। पापा लाए। अच्छा जी, तो मेरा पापा लाया तो मुझे थोड़ी सी दे दो। नहीं दे दो नहीं, मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। ओ मैं मीर की मम्मा बन जाऊँ? नहीं पालो को नहीं लगो, मैं मीर की मम्मा बन जाऊँ? ठीक है आ जाओ मीर, मैं आपकी मम्मा बनती हूँ। दुआ तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। अच्छा मैं फादिया की मम्मा बन जाती हूँ। नहीं तो आपकी मम्मा नहीं बनूंगी, मैं फादिया की मम्मा बनूंगी। नहीं, दे दो मैं पापा लाए। ये क्या बना रही हो? रोटी बॉल बना रही है। अच्छा बनाओ, कपड़ों को नहीं लगाओ, बुरी बात। अच्छा थोड़ी सी दे दो प्लीज प्लीज। नहीं मम्मा नहीं दे ले प्लीज, दुआ मैं आपकी मम्मा हूँ ना, दे दो। नहीं मम्मा ये क्या,
नहीं देना, मैं बाहर चली जाऊँ? ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, बाय बाय। जाऊँ? नहीं। फिर दो मुझे। दो? तीन है वो। हाँ बस, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, ठीक है? मिट्ठी बोल रही है। मिट्ठी बोल रही है? नहीं, मिट्ठू है। मिट्ठी है। इसे भी पता चलता है कि कौन सा मिट्ठू और कौन सा मिट्ठी। ले लिया फिर मुझसे? हाँ। शरारती बच्चा। मीरो क्या खा रही है? अभी भी हमारे 10 से 15 मिनट रहते, 15 मिनट मेरे ख्याल में रहते। ये जो नज़ारा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और इस तरफ भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी रश है, लेकिन लेडीज़ हैं तो मैं ज़्यादा नहीं करी कि किसी का फेस ना आ जाए। इधर से सारे मर्द हैं तो मैं इसीलिए मतलब। तो यहाँ पर जो है ना, हमने लिया चाय, और ये इतना बड़ा कप है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस जितना भी है ना, और है भी बड़ा ही महंगा, तो दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बड़ा कप चाय का जो है ना, मैंने आज ले लिया। दिल कर रहा था चाय का, लेकिन अभी बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं यहाँ से लेके पी लो। सिर्फ मैंने लिया, बाकी किसी ने नहीं ली। कहते हैं तुम अमीर बंदी हो, तुम लो, हम लोग नहीं ले रहे। आज जो है ना, हमजा भी स्केटिंग कर रहे हैं। चलो फादिया, चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं। देखा गिर गई हो, आ जाओ, चलो आ जाओ, चले। यहाँ पर इसके काम देखें, ये कैसे यहाँ इस सीट पे और इस सीट पे आराम से बैठ के कर लिए। क्या हुआ? इसमें चाबी है, ख्याल करो। हमजा आ जाओ, जल्दी। बहनों, मैं बर्तन धो रही थी और मेरी चाय सारी की सारी गिर गई है। अब ये भी मुझसे जलने लगी है, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। हालांकि मैं सिंक पे बर्तन ही धो रही थी, तो जैसे अफ्तारी करके आए ना, तो बर्तन वगैरह नहीं वॉश किए थे। अभी फिर वॉश किया, मैंने कहा बर्तन वॉश कर लो, नमाज कुरान सारा कुछ शाह हो गई आज। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 2 कुरान मुकम्मल हुए, एक पिछले हफ्ते हुआ था, फिर उसके बाद से स्टार्ट किया। अभी हुआ मुश्किल से, मतलब हुए, हर दफ़ा मेरे 3 से 4 होते, लेकिन इस दफ़ा सिर्फ 2 कर पाई हूँ। चले अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी। और ये बर्तन धोते धोते ये देखे मेरी सारी चाय खिर चुकी है। चले इसका मीठा चेक करते हैं, फिर सबको देते हैं और मैं भी पीती हूँ। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ समोसा, ये है आलू का और ये है कीमे का। तो साथ में अपना चाय का कप, मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय पी लें और फिर थोड़ी सी तस्बीह करेंगे। लाख लाख एहसान है आज की रात, जितनी भी इबादत हो सके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब 2 का टाइम हो गया, आटा गूंथते हैं, उसके बाद तो आटा पड़ा रहेगा। फिर 3:30 बजे किचन में जाऊँगी, तो सुबह की सहरी वगैरह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों की भी आज की रात जो है ना, बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मेरे साथ मुझे जितने भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जिसने भी दुआ का कहा था, अल्लाह पाक उन सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी करें। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक उनके रिज़्क में इतनी बरकत डाले कि किसी के आगे सवाए अल्लाह के हाथ ना फैलाना पड़े। बस ये दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे और मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक हर किसी की बेटी के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक बेटियां तो देता है, खुशी बेटियों की जितनी होती है ना, तो उनके नसीबों से भी उतना ही डर लगता है। अल्लाह पाक अली के भी नसीब अच्छे करे, उसे कामयाब इंसान बनाए। वो जहाँ भी है हमेशा खुश रहे, शाद आबाद रहे, मेरी यही दुआ है। बस अल्लाह पाक सुमेरा के लिए भी खैर आफियत का टाइम जो है ना लेकर आए, नैना के लिए भी, और जितनी भी प्रेग्नेंट औरतें, अल्लाह पाक उनका खैर का टाइम लेकर है, क्योंकि ये टाइम एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिनके यहाँ भी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको औलाद से नवाजे। सुमेरा होगी, नीली होगी, और भी बहुत सारी हैं जो कि लाइफ में हम सब होते हैं, बहनें, और वो कहती हैं कि हमारी औलाद नहीं, अल्लाह पाक उनको भी औलाद थे। और ये जो छोटा सा चुन्नू मेरे साथ खड़ा है ना, इसने ना नमाज में मुझे बहुत मारा है। मैं सजदे में थी और इसने मुझे बहुत मारा है। और ये जो है ना, ये तो वैसे भी है, ये तो सबकी नानी बनी हुई है ना आजकल, शैतानों की। ओए ओए, चलो मेरी तस्बीह उतारो, तोड़ दोगे, चलो। अरे एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है, कि मुझे इंस्टा पे उनका मैसेज आया था कि प्लीज़ बहन मेरे लिए भी दुआ करिए। मैं देखें, मैं इसके काम देखें, मैं यहाँ पे जो है ना
दुआ मांग रही थी और ये आ गई। और इसका जो है ना गला छोटा था, तो आज जो है ना मैंने पहले पहनाई थी, मुश्किल से आ गई थी, धोने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना उस टाइम फ़ौरन यहाँ पे जल्दी जल्दी कट लगा दिया। और उनका मैसेज आया था, उनका नाम सेजल है, तो अल्लाह पाक उनकी जो भी परेशानी है, जो भी मुश्किल है, अल्लाह पाक उनकी दूर करे, और अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज अमान में रखे, अल्लाह पाक उनकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे, उनकी दो बेटियाँ। क्या करना मुँह से तो हो छुटो लड़ाई करे मैं नहीं लड़ाई करती, पहले मेरे मुंह के आगे से हाथ हटो हटो नहीं करनी लड़ाई। अल्लाह मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ, मैं कादी आपकी मम्मा हूँ, नहीं मुझे लड़ाई नहीं करनी। गोदी में आऊँ क्या करना है? कल भी आपने बहनों को मारा था, ये आप मेरे आंख में मारोगी? ये कोई इससे आंख खराब हो जाती है? नहीं वो तो ना नहीं आती ना। नहीं क्या? अच्छा आ रही हो, क्या कर रही हो? ठीक है सो जाओ मम्मा। सो जाऊं? अभी नमाज पढ़नी है मम्मा। अभी आसान होने वाली है ना? नहीं मम्मा। अच्छा किसी तो कर दो, पेन हो रहा है आज, आपने किसी भी नहीं किया, यहाँ पे कर दो एक, यहाँ पे मम्मा। जी मम्मा। अच्छा किसी करो, एक कर दो, यहाँ पे पेन हो रहा है, दुआ पेन हो रहा है यहाँ पे। मैं रो रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं कर। थैंक यू मम्मा। तो ये क्यों काट रही हूँ? नहीं मम्मा नहीं काटो ना, नहीं मम्मा नहीं ना। उम्मीद है क्या ये जो आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। कल बस कोई रेसिपी नहीं, क्योंकि लास्ट डे चल रहे हैं ना रमजान शरीफ के, और मेरी भी तबीयत बिल्कुल भी नहीं ठीक है। सुनहरा की हालत को आपको बता दें, फिर भी जितनी हो सकती है वीडियो बनाती, क्योंकि घर के काम के साथ साथ फिर कुरान पाक भी, इबादत भी, नफल वगैरह भी, तो उसी में जो है ना बहुत कम मतलब मैं शूट कर पाई हूँ कल वीडियो। और दुआ के कपड़े लेने हैं, देखिए आज जाते हैं या कल जाती हूँ, क्योंकि दुआ के मैंने कल ही देखे हैं, उसके तो सिर्फ दो ही हैं, कोई नॉर्मल है ही नहीं, क्योंकि कितनी देर बच्चा हैवी पहने का, ज़्यादा से ऐसा 2 से 3 घंटे, और उसके जैसे भी घर के कपड़े भी नहीं हैं, तो इंशाल्लाह कल जो है ना या आज शाम को जैसे टाइम मिला तो हम लोग जाएंगे उसके कपड़े लेने। उसके अलावा अम्मी अबू ने भी जो पैसे भेजे थे वो भी मैंने सेव करके रख लिए, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं है ज़रूरत, क्योंकि अभी जो है ना जो पैसों की वो नहीं है, तो मैं फजूल खर्ची कोई भी नहीं कर रही, क्योंकि कल जो है एस्टिमेट मैंने और बाबर भाई ने लगाया है वो बहुत काफ़ी लंबा है आने जाने की टिकटों के साथ तीन लोगों की, तो नहीं आ सकता। ये था कि तुमने रेडी से क्यों ली चप्पल? अरे मुझे चप्पल की नहीं ली थी, वो तो ऐसे ना बस दिल को अच्छी लगी तो मैंने ले ली, वरना अभी मेरे पास थी तो इसीलिए मैंने नहीं ले ली। और सूट भी मैंने वहाँ से लिया जहाँ से हमेशा लेती हूँ AS वालों से, तो फिलहाल जो है ना मुझे नहीं है, जब देखे इंशाल्लाह जाने का हुआ तो फिर जो है ना मैं लूँगी, अभी नहीं थी ज़रूरत तो इसीलिए। तो बस मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।